देखो लव स्टोरी मूवीज तो सब देखना पसंद करते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन साउथ इंडियन मूवीज के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। इन मूवीज में आपको अच्छा खासा लव स्टोरी, कॉमेडी, थोड़ा बहुत एक्शन थ्रिलर ड्रामा देखने को मिल जाएगा और स्टोरी कॉन्सेप्ट आपके दिल को छू जाएगा। ये सारे मूवीज एक से बढ़कर एक हिंदी में अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इन मूवीज के बारे में और ज्यादा जानना या इन मूवीज को देखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। लेट्स स्टार्ट। अनुज, मुझे माचो मैन नहीं चाहिए। तुम जैसे स्वीट सिंपल हो ना, वही मुझे पसंद। नंबर 10, ट्रेन एक्सप्रेस। 2011 में रिलीज हुआ था यह मूवी। स्टार कास्ट में आपको ममूती, जय सूर्या, कोटा श्रीनिवास राव जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो ये मूवी 2006 में मुंबई में होने वाला एक ट्रेन बॉम्ब अटैक के ऊपर बेस्ड है। वहाँ पे कैसे एक पुलिस ऑफिसर के बहुत अच्छी तरह से निगरानी रखने के साथ साथ वो कैसे मुंबई में आतंकवादी हमले को रोकने का प्रयास करते हैं, क्या वो रोक पाते हैं या उनके साथ और कुछ होता है, इन सभी के साथ कैसे वहाँ के लोगों के बीच डर फैल जाता है और फिर कैसे बहुत सारे फैमिलीज के जान दांव पे होते हैं, क्या वो मरते हैं या बचते हैं, हीरो उन्हें बचा पाते हैं या नहीं, बहुत सी बातें हैं इस मूवी में। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जाओ देखो। ये मूवी आपको यूट्यूब पे फ्री में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 9 पे आता है मिस्टर एंड मिस। 2021 में रिलीज हुई प्योर रोमांटिक ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको शैलेश सन्नी, कृष्णा रेड्डी और गणेश सूरी जैसे और भी कई एक्टर्स तो देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो हैदराबाद को आने के बाद और एक दर्दनाक ब्रेकअप के बाद शशि शिवा से मिलती है, जो कि मतलब बहुत बुरी तरीके से नौकरी ढूंढ रहा होता है। शशि उसे प्रोमिस करती है कि वो उसे जॉब दिलाने में मदद करेगी, पर शर्त यह है कि उसे 15 दिनों में इंग्लिश सीखना है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो दोनों कैसे क्लोज आते हैं, उन दोनों को प्यार होता है और आगे क्या क्या होता है मूवी में देख लेना। बहुत ही कमाल का एंटरटेनिंग मूवी है, ये मूवी आपको पसंद आएगा बहुत ही ज्यादा। 5.5 out of 10 IMDb से 3% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 8 पे आता है टैक्सी वाला। 2018 में रिलीज हुई रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको विजय देवरकोंडा, प्रियंका ज्वालाकर, मालविका नायर जैसे और भी कई एक्टर्स तो देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो जो कि सेटल जॉब छोड़ देता है और सोचता है कि कैब ड्राइवर बनेगा, इसीलिए वो एक कैब खरीदता है। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा होता है। कैब चलाने के दौरान उसे एक लड़की से प्यार होता है, उन दोनों का लव स्टोरी अच्छा खासा चल रहा होता है, पर अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा होता है लाइक उस कैब में कुछ मिस्ट्री होता है, वो क्या है आप मूवी में देख लेना। बहुत ही कमाल का मूवी है, हाईली रेकमेंड करूंगा इस मूवी को देखो अगर विजय देवरकोंडा के फैन हो तो। बहुत ही कमाल का मूवी है, 6.8 out of 10 IMDb से 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहो इस मूवी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। नंबर 7 पे आता है जादूगर। 2022 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको जितेंद्र कुमार, आरुषि शर्मा, रुस्कर दुल्हन जैसे और भी कई एक्टर देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो जो कि एक छोटा मोटा मैजिशियन होता है वो अपने लाइफ में खुश होता है, पर आगे जब उसे प्यार होता है तो उसके साथ क्या होता है। वो बचपन से भी कोई स्पोर्ट्स खेलता नहीं है, वो एक एथलेटिक होता भी नहीं है, पर एक लड़की का दिल जीतने के लिए वो कैसे फुटबॉल खेलता है, टूर्नामेंट में हिस्सा है और क्या जीतता है या नहीं, और परफॉर्मेंस कैसा रहता है, ये सब आप इस मूवी में देख लेना। अगर आप रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को देखो, आप लोगों को पसंद आएगा। 6.9 out of 10 IMDb से 90% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी का देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 6 पे आता है गुटर गुंज, जो कि एक वेब सीरीज है। 2023 में रिलीज हुआ है। स्टार कास्ट में आपको विशेष बंसल और अश्लेषा ठाकुर जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस सीरीज की स्टोरी की तो अगर आप टीनेज में हो तो इस स्टोरी के साथ आप बखूबी रिलेट कर पाओगे। एक टीनेज लड़के को एक टीनेज लड़की से प्यार हो जाता है। लड़का जो कि भोपाल का रहने वाला है, लड़की गुड़गांव से भोपाल आई है रहने के लिए। वो दोनों कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन दोनों को प्यार होता है और आगे उनके साथ क्या क्या होता है, मतलब इस प्यार में वो कैसे चुतियापा करते हैं, उनका इनोसेंस सामने दिखने लगेगा। तो भाई कमाल का सीरीज है, अगर आप लव स्टोरीज देखना पसंद करते हो ये आपको पसंद आएगा, मैं बता रहा हूँ पसंद आएगा। हाईली रिकमेंड करता हूँ इस सीरीज को देखो। अगर आप देखना चाहते हो तो जान लो अमेज़न मिनी टीवी पे ये सीरीज आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा,
लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी देखो हाईली रेकमेंड करता हूँ, इस सीरीज में आपको बहुत अच्छा कमाल का लव स्टोरी देखने को मिल जाएगा, देख लो भाई जाके। नंबर 5 कृष्णा वृंदा बिहारी 2022 में रिलीज हुई प्योर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी। स्टार कास्ट में आपको नागा सौर्या, अमिताभ प्रधान, बेनेला क्रिस्टोर, श्रेली सेटिया जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो जो कि एक ट्रेडिशनल प्योर ब्राह्मण फैमिली से होता है जो कि शहर आता है एक नौकरी के लिए, नौकरी करता है और उसे अपने मैनेजर से ही प्यार हो जाता है। और आगे कैसे उन दोनों को प्यार होता है, उनके प्यार में जो जो होता है वो सब तो ठीक है, पर आगे जब वो लोग करने वाले होते हैं तो हीरो को पता लगता है कि हीरोइन कभी मां नहीं बन सकती है। क्या सच्चाई है और भी कुछ है क्या इस मूवी में, अब देखो पसंद आएगा यह मूवी। अगर आप एक नॉर्मल रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते हो यह मूवी देखो, मैं बोलता हूँ पसंद आएगा। 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb से 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी देखना चाहते हो इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4 रेड 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको राम मलविका शर्मा, निवेदा पैथ्वीराज जैसे, अमृता अय्यर जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो जो कि एक लड़की से प्यार कर रहा होता है और वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। हीरो उसका पता लगा रहा होता है कि उसे पुलिस पकड़ लेती है क्यों, और आगे जाके उसी के जैसे दिखने वाले और एक लड़के को भी पुलिस पकड़ लेती है। क्या वो दोनों भाई है, उन दोनों में क्या रिश्ता कुछ है। चीजें और मूवी जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है तो इस तरह के मिस्ट्री आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएगा जो आपके दिमाग के साथ खेल जाएंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है, हाईली रेकमेंड करता हूँ इस मूवी को देखो। ये मूवी तमिल मूवी थर्ड आर्म का ऑफिशियल रीमेक है, अगर उसे देख लिया तो इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं देखा है तो इसे जाके देखो, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb से 64% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ देखो। नंबर 3 और इस नंबर 3 पे ओहमान ने करके कुछ है, कुछ मतलब मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है भाई, ये मतलब मूवी है कि और कुछ है, सीरीज है, नहीं ये कुछ नहीं है, मतलब कुछ तो है। मतलब वो माने एक तमिल म्यूजिक वीडियो है जिसमें एक लड़के और लड़की का शादी होता है और फैमिली ड्रामा रोमांटिक ड्रामा यही सब एक म्यूजिक वीडियो में दिखाया गया है, आपको देखना चाहिए, 7 मिनट का है। यार लैंग्वेज समझ ना आया तो क्या हुआ, देख लो जाके, रोमांटिक वीडियो है यार, बाकी जान लो ये कोई मूवी नहीं है, ये एक रोमांटिक तमिल म्यूजिक वीडियो है जिसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके देख सकते हो। ओके नंबर 2 पे आता है शिवा कुमार इन शब्दम 2021 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। स्टार कास्ट में आपको माधुरी जैन, हिप हॉप तमेजा आदि और विजय पार्वती जैसे और भी कई एक्टर्स तो देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना हीरो शिवा कुमार जो कि एक मतलब एक ऐसा फैमिली से होता है, बोल सकते हो मास्टर वर्वर्स के फैमिली से होता है, पर वो बेरोजगार होता है और केयरलेस होता है, किसी से उसको कुछ लेना देना होता है भी नहीं, पर आगे उसे जब प्यार होता है, उनका लव स्टोरी और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको इस मूवी को आखिर तक देखने के लिए बांध के रखेगा। और आगे अपना हीरो जब उसके फैमिली के खोई हुई इज्जत को लौटाने के लिए कुछ करने वाला होता है या करता है, उसके आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और हीरोइन उससे कैसे कनेक्टेड है, ये आप इस मूवी में देख लेना। एंटरटेनिंग मूवी है, 4.8 आउट ऑफ 10 IMDb और 60% गूगल यूजर के साथ। इस मूवी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर पहले जान लो ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर तमिल लैंग्वेज में आप जाके वहां पे देख सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि हिंदी में अभी तक डब्ड हुआ ही नहीं, मैं क्या करूं। ओके नंबर 1 पे आता है रक्षा सुधू 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर साइकोलॉजिकल मिस्ट्री मूवी है। स्टार कास्ट में आपको बेलम कोंडा, साई श्रीनिवासन, अनुपमा परमेश्वरन जैसे और भी कई एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो अपना इस मूवी का हीरो अरुण जो की न्यूली अपॉइंटेड होता है आज पुलिस सब इंस्पेक्टर, और उसी के टाइम पे उनके शहर में सीरियल किलिंग शुरू हो जाता है टीनेज लड़कियों का। कौन कर रहा होता है, क्यों कर रहा होता है, ये सब तो आप इस मूवी में देख लोगे, पर आगे जब हीरो इस बारे में पता लगाने निकलता है तो उसके सामने क्या क्या मिस्ट्री खुल के आती है और मूवी कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है भाई, दिमाग के साथ खेल जाएगा ये मूवी। हाईली रेकमेंड करता हूँ, अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लो। ये मूवी रत्शासन मूवी का ऑफिशियल रीमेक है, अगर आपने रत्शासन देख लिया है तो इसे देखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं देखा है तो जाके इस मूवी को देख सकते हो। 8 आउट ऑफ 10 IMDb से 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को
पसंद किया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो जान लो ये मूवी यूट्यूब पे गुमनाम टाइटल के साथ अवेलेबल है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इनमें से कितने मूवी सीरीज देख चुके थे, कितने आगे देखोगे, आप कॉमेंट कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कुछ अच्छा सा कॉमेंट कर देना, और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार, प्लीज।